हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक्टिविटीज विद एमसीडी स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ा बिग थैंक यू फॉर 500 के आपके इतने सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और अपना प्यार सहयोग ऐसे ही बनाए रखना। तो आगे बढ़ते हैं। चेकुल की शिकायत है कि मम्मा आप स्कूल के बच्चों से एक्टिविटी कराते हो और मेरे से जो एक्टिविटी कराते हो वो तो औरों को दिखाते ही नहीं हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू सीरीज एट होम, कि मैं अपनी बेटी के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज घर पे कराती हूँ और आप लोग करा सकते हो। ये एक्टिविटी मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं शुरू से इसके साथ एक्टिविटी कराती आई हूँ। तो जो मैं इसके साथ एक्टिविटी कराती थी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप भी अपने घर पर फॉलो करो कि आप एक्टिविटी कैसे करा सकते हो। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ये फर्स्ट एक्टिविटी है जो मैं सेक्रेट के साथ घर पे करती हूँ। मैंने मोस्टली साथ ये जो एक्टिविटी करी है ये मैंने 10th हाउस के इसकी स्टिक्स थी उनके साथ की थी, पर अभी वो अवेलेबल है नहीं, इसमें तोड़ दी थे। तो मैं आपको दिखाने के लिए घर में जो सामान है आप उससे बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं। तो मैं घर में खाना बनाने के लिए होते हैं ना कड़छी वगैरह, वो लेकर आई हूँ दोनों। तो ये बच्चे की कंसंट्रेशन, बच्चा ध्यान से सुन रहा है और समझ रहा है और कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी है। देखो मैं एक बार करके दिखाती हूँ चेकुल के साथ में। चेकुल पकड़ो बेटा अपने स्टिक को। हाँ, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा टाइम लग रहा है 1 2 3 गो कहने पे चेकुल पकड़ रही है, पर अब मैं सिर्फ गो बोलूंगी, 1 2 3 नहीं बोलूंगी, सिर्फ गो बोलूंगी और आपको पकड़ना है, ठीक है? हाँ, एक एक वन बाय वन, एक मैं एक आप, ठीक है? गो 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 गो। कोई बात नहीं, तो आपने देखा ये एक्टिविटी हम बच्चों के साथ करा सकते हैं, मैं कराती हूँ मोस्टली, तो आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। गो नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट है वो है एक्टिविटी ये है कि ये बॉल है, घर में जो बॉल बच्चे खेलते हैं मोस्टली ये वही बॉल है। तो हम इसे बच्चों को लेफ्ट राइट का और मसल्स मोटर स्किल्स जो बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उसके लिए मैं अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ और आप लोग भी ट्राई कीजिए, बेस्ट है। देखिए आप मैं इसको कैसे खेलती हूँ। चलो चिकली स्टार्ट। वेरी गुड, देखिए आप कैसे, उसको पता है मम्मा को मुझे बॉल देनी है। अब दैन इस साइड से चेकुल। गुड, कोई बात नहीं बेटा। तो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बच्चे की मसल्स इंप्रूवमेंट के लिए बेस्ट है, आप घर पर ट्राई कीजिए। थर्ड वन एक्टिविटी जो है वो है जो मैंने अपनी बेटी के साथ ट्राई की है कि हम बच्चे की विजुअल पावर बढ़ाने के लिए, कि बच्चा क्या से सुन रहा है और समझ रहा है फिर देन रिएक्ट कर रहा है ना, वो हमको इम्प्रूव करने के लिए हम ये एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिए, किसी भी एक्टिविटी को घर में करने के लिए कोई भी बाहर की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो घर में अवेलेबल है आप उसी से कराइए। देखिए मेरे पास गिलास चम्मच सबके घर होता है, कांच का गिलास कैसा भी ले सकते हैं। तो मैं ये जो एक्टिविटी करने वाली हूँ, चेकुल ध्यान से सुनो, मैं जितनी बार करूँगी आपको उतने ही नंबर पर सर्कल लगाना है, ठीक है? अभी 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 रुको, अभी नहीं, अब नेक्स्ट, अब सुनो। यस नेक्स्ट वन, ध्यान से सुनोगे आप कितना है, ध्यान से अच्छे को ध्यान से। नो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, देखो ध्यान से, जितनी बार मैं इसको टैप करूंगी आपको उतने ही दे दो, कितनी बार मैं टैप कर रही हूं। नो
नो, चेकू ध्यान से सुनो। देखो अगर मैं वन बार टैप करती हूँ तो आपको वन पे करती करना है, अगर टू बार टैप करती हूँ तो टू पे करना है, थ्री बार टैप करती हूँ तो थ्री पे करना है, फोर बार टैप करती हूँ तो फोर पे करना है। ध्यान से सुनो, आप पहले सर्कल नहीं करो, पहले सुनोगे। देखो ध्यान से सुनो, देखो आप ध्यान से सुनोगे पहले कितनी बार टैप किया। मैं बंद करूंगी, फिर कितने टाइम किया है? नो, वन टाइम क्या किया? देखो काउंट करो, वन टू थ्री फोर। गुड, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। गुड, ऐसा नहीं है कि बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा, बच्चा मिस्टेक भी करेगा पर वो सीखेगा भी। अब ध्यान से देखो, नो, दोबारा से, वन मोर टाइम, यस। आप इस एक्टिविटी को कराने के लिए 8, 9 या फिर अगर आपको बच्चा बड़ा है तो आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं। और मैनी टाइम, देखो मैंने कई बार लिखे है जिससे कि लोग उसको कंफ्यूजन ना हो। एक वन मोर टाइम कर दूं, नो, काउंट कर, देखो, यस। अब मैंने ये कटोरी और इसकी सहायता से कराया है। अब मेरे पास ना ये काजू का एक टॉय रखा हुआ है, मैं इसको भी दिखाती हूँ आपको कि हम इससे कैसे करा सकते हैं। मैं जितनी बार इसको करूंगी आपको उतने बार कुछ करना है। देखो कितना ही, नहीं मैंने कितनी बार किया है? हाँ करो, देखो एक बार और, यस। तो ये बच्चों की विजुअल पावर सुनने और समझने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप ये एक्टिविटी घर पे करा सकते हैं। ये तो नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये जो मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ। देखो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं आपको, चेकुल जरा अल्फाबेट्स बताओ बेटा जल्दी जल्दी। यस, यस, वो फोनिक साउंड बता रही है। नेक्स्ट सीरीज आपके लिए फोनिक साउंड की ही आएगी। तो अब मैं चेकुल आपको क्या करना है, देखो आप बच्चों की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो। चेकुल आप बताओगे कौन सा लेटर है? सी, यस, ए, ए, टी, यस। तो मैंने लिखा है सी ए टी कैट। देन चेकुल ये कैट लिखा है, आपको यहाँ से यही वर्ड उठा के वर्ड बनाना है। यहाँ पे सेम सेम वर्ड यहाँ से उठाकर बनाओ। नो नो नो, देखो पहला वर्ड कौन सा है, पहला लेटर देखो कौन सा है, यस। हाँ नेक्स्ट वन, यस, और टी, देखो आप देखो यहाँ पे कहाँ है। नो नो नो, यस, गुड, ये देखिए सी, ठीक है। अब वन मोर टाइम, एक और बार करते हैं, लेटर्स को उठा के सेम जगह पे रख देंगे जिससे बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। कौन सा लेटर है? यस, थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, देखते हैं चेकुल कर पाती है या नहीं। चेकुल आपको सेम लेटर्स उठाने हैं, देन ये वर्ड बनाना है। स्टार्ट बेटा यहाँ पे बनाओगे आप, पहला लेटर कौन सा है? पुट आर, कहा है आर, लेटर आर का है, यस, देखो हाँ आर आर। नेक्स्ट वन, वेरी गुड, फिर नेक्स्ट वन, यस, वेरी नाइस, एंड लास्ट वन ई। देखो पूरा वर्ड ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग ये एक्टिविटी घर पे अपने बच्चों के साथ जरूर करा सकते हैं। जैसे कि अब मैंने यही सोचा है क्यों ना, स्कूल के बच्चों को तो आपने बहुत पसंद किया, अब जो मैं चेकुल के साथ एक्टिविटीज कराती हूँ आपको दिखाई जाए, ठीक है। तो वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
जरूर करना। थैंक यू।